ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चे ओंकाराय नमो नमः। एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गट यूट्यूब चैनल पर आप सबका आज पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं नी रिप्लेसमेंट पारस मुद्रा को लेकर। पहले हमने पारस मुद्राओं का वीडियो कई महीनों पहले अपलोड किया था, अब और उसका नया वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड किया था। अब एक विशेष नई मुद्रा जो रिसर्च हुई है, नी रिप्लेसमेंट पारस मुद्रा का वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं। पारस मुद्रा नी रिप्लेसमेंट करने से पहले हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे पहले आप अपने घुटनों को चेक करें, घुटनों की क्या पोजीशन है। तो दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं। यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो सेटी पर बैठे या पलंग पर बैठकर पैरों को फैलाएं सामने की ओर। अब आप चेक करिए आपके जो पैर है घुटनों के नीचे का स्थान जमीन से टच हो रहा नहीं हो रहा, उसे चेक करिए। जिन लोगों के घुटने स्वस्थ होते हैं तो उनके घुटनों का नीचे का एरिया जमीन से टच है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इस तरह देखिए, मैं पैरों को दूसरी साइड करता हूं। जिनके घुटने स्वस्थ हैं तो उनका भाग नीचे जमीन से टच होता है, और जिनके घुटने स्वस्थ नहीं है तो वो सीधे बैठ भी नहीं सकते और पैर इतने ऊपर रहते हैं। यदि पैर इतने आपके ऊपर हैं और बहुत स्टिफनेस है तो आप समझ लीजिए कि घुटनों की बहुत तकलीफ है, और जिनके घुटने स्वस्थ हैं तो पैर ऑटोमेटिक नीचे चले जाते हैं। तो मैं आपको नी रिप्लेसमेंट पारस मुद्रा बताने से पहले ये बताना चाहूँगा, ये मुद्रा करने से पहले आप चेक करिए अगर आपके पैर में रोड नहीं है। जिनको रोड या कुछ फिट किया रोड किया रोड लगी हुई है वो लोग ये मुद्रा न करें, और बहुत ज़्यादा करतपन है स्टिफनेस है तो पहले अपने पैरों को कुछ एक्सरसाइज के द्वारा आप अच्छा कर लीजिए। तो ये पैरों की एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वो कर लीजिए। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं और पैरों की एक्सरसाइज करें, पंजों को नीचे जमीन की ओर ले जाएं, और अगर सीधे नहीं बैठ सकते हैं तो आप हाथों का सहारा भी ले सकते हैं पीछे, और अगर सीधे बैठ सकते हैं तो आप घुटनों पर दोनों हाथों को रख दीजिए या थाई पर रख दीजिए और पंजों को ऊपर नीचे करिए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इस तरह आप 10-10 बार एक एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज नंबर 2 नी रिप्लेसमेंट पारस मुद्रा करने से पहले इन सब एक्सरसाइज का करना जरूरी है, इससे पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो जिससे आप आराम से कर सकते हैं। उंगलियां बेंड करें, दें दबाव, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, इस तरह हर प्रक्रिया हर क्रिया 10 बार करिए। प्रयोग नंबर 3, पैरों को टकराएं, संपन्न, फिर दोनों पैरों को एक साथ टखनों से गोलाकार घुमाएं 5 times। अब एंटी क्लॉकवाइज 5 times। अब पैरों को उठाकर पटकें, संपन्न, पैरों में 6 inch का फासला, सेपरेटली गोलाकार घुमाएं क्लॉकवाइज 5 times और एंटी क्लॉकवाइज 5 times। उल्टी दिशा में संपन्न, दोनों पैरों को साइड में लेटाएं, 1, 2 अंगूठों को मिलाएं जमीन से टच। अगर आप सीधे नहीं बैठ सकते हैं तो पीछे सहारा ले लीजिए, 1, 2, 1, 2, 1, 2, संपन्न। अब घुटने की ढकनी को
श्वास भरते हुए प्रेशर से ऊपर की ओर खींचें, एक दो में ढीला छोड़ें, एक दो एक दो एक दो एक दो संपन्न। अब ढकने को उंगलियों से पकड़कर गोलाकार घुमाएं, उल्टी दिशा में, संपन्न। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें, घुटनों के नीचे स्थापित दोनों पैरों को जमीन से उठाएं, पूरी स्थिरता, हलन चलन बंद। अब पंजों को ऊपर नीचे करिए, संपन्न। ये प्रयोग यदि आप नियमित करेंगे तो जो पैरों में कड़कपन आया हुआ है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और नी रिप्लेसमेंट पारस मुद्रा करने से आसानी होगी। ये करने के बाद आप पारस मुद्रा भी जरूर करिए, जिसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। उन मुद्राओं को करने के बाद ये मुद्रा अगर आप करेंगे तो घुटनों के दर्द में जबरदस्त राहत मिलती है और इससे नी रिप्लेसमेंट भी कैंसिल हो सकते हैं सब प्रयोग करने के बाद। अब इतना प्रयोग करने के बाद आप जो भी पारस मुद्रा है, जो पारस मुद्राओं का वीडियो है वो जरूर करिए। मैं केवल एक एक बार करके बता रहा हूं। फर्स्ट प्रयोग, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और उंगलियों को धीरे धीरे बाहर निकालें। इसकी डिटेल्स पारस मुद्राओं के वीडियो में जरूर देखें। प्रयोग नंबर दो, अंदर की ओर फंसाएं और घर्षण करते हुए बाहर निकालें। प्रयोग नंबर तीन, लेफ्ट हैंड की तर्जनी फरी और चार उंगलियों से तीन उंगलियों को पकड़ के रब करना है और फिर इस तरह घुटने पर उंगलियों को रखकर तीन उंगलियों से रब, फिर उल्टा करके रब करना है और लास्ट में ये पारस मुद्रा करना है। छह मुद्रा करने के बाद यदि आप ये प्रयोग करेंगे तो आपके घुटने के ऑपरेशन कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन इन सब प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। किसी को रोड फिट की हुई हो या बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो तो करने में जल्दबाजी नहीं करें। पहले पैरों को फ्लेक्सिबल करिए और फिर चेक कर लीजिए। पैरों को सीधे सामने फैलाना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे झुकते हुए अंगूठों को पकड़ें और सामने देखें, फिर पुनः श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे। यदि आप अंगूठों को नहीं पकड़ सकते तो टखनों से पकड़ के सामने देखिए और यदि आगे बढ़ सकते हैं तो श्वास भरते हुए पुनः ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पंजो पातल से हाथों को लगाएं, सामने देखें। प्रयोग नंबर तीन, हाथों को खींचे ऊपर और एड़ी तक उंगलियां ले जाएं। धीरे धीरे ऊपर और हाथ नीचे। इतने प्रयोग करने के बाद आप नी रिप्लेसमेंट पारस मुद्राएं अगर करते हैं तो आपको लगेगा काफी अच्छा लगेगा, लेकिन एक बात, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करना है। आपको लगे पैर बहुत ज्यादा आपके ऊपर रह रहे हैं, बहुत कड़क हैं, तो इतने प्रयोग करें और उसके बाद अगर फ्लेक्सिबिलिटी ना आए तो ना करें, लेकिन ये सब प्रयोग करने के बाद आपके पैरों में लचीलापन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पैर इस तरह देखिए, चेक करिए, दोनों पैरों को फैलाने के बाद पैर कितने ऊपर रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर रहते तो पहले इन प्रयोगों के द्वारा इनको ठीक करें और फिर जो थाई का भाग है वहाँ पर आप देखिए। घर में यदि कोई छोटा बच्चा हो तो उसको आप बिठा सकते हैं, घुटनों के ऊपर नहीं, घुटने के ऊपर जो थाई का भाग है वहां बिठाइए। उससे आपके घुटने धीरे धीरे, घुटने का नीचे वाला भाग धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा, तो आपको घुटनों के दर्द में राहत मिलेगी। आप स्वयं चेक करिए कि कितना वजन आप सहन कर सकते हैं, 50-60 वो हिसाब से। और एक बात इसमें विशेष ध्यान रखी जाती है, पुरुषों के थाई पर केवल पुरुष ही बैठे और महिलाओं की थाई पर केवल महिलाओं को बैठा है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और ये मुद्रा करते समय पूरी सतर्कता और जागरूकता रखनी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा कड़कपन हो तो नहीं करना है। इसके द्वारा हमें घुटनों के दर्द में अच्छी राहत मिलती है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं,
पारस मुद्राएं करने पर कई लोग ठीक हो जाते हैं, अगर उससे ठीक नहीं हुए तो इससे जो पूर्व की तैयारी है वो एक्सरसाइज करें। आप ये नी रिप्लेसमेंट मुद्रा करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। दूसरी बात, सावधानी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि पारस मुद्राओं का वीडियो अपलोड किया हुआ है YouTube चैनल पर, आप उसको व्यवस्थित देखें। उससे ठीक हो जाता तो ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको करने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो ये पूर्व तैयारी की सभी एक्सरसाइज करें और लंबे अभ्यास के बाद फिर आप धीरे बिठाने का प्रयास करें, क्योंकि पुराने ज़माने में हमारे दादा दादी पापा मम्मी अपनी गोदी में बच्चे को खिलाते थे। मुझे ऐसा, मेरा जहाँ तक अनुभव है, जब थाई पर किसी को बिठाया जाता है तो घुटने का भाग धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है, जिससे जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है तो घुटने के दर्द में अच्छी राहत मिल जाती है। सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गर यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में 4 चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे से आगे शेयर करें।